नॉर्मल घेवर तो आपने बहुत बनते हुए देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले देसी घी का घेवर। तो भाई वीडियो को पूरी एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, मजा आ जाएगा। तो गाइस वेलकम टू फूडी वेब, और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं घेवर की मेकिंग। और घेवर की मेकिंग स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिए भाई, देसी घी यहाँ पे उबाला जा रहा है, ये देख लो मतलब अच्छे से गर्म होगा देसी घी, फिर उसके बाद आगे इसका प्रोसेस चालू होता है। तो भाई सामने देख लो यहाँ पे घेवर बनने स्टार्ट हो रही है। तो ये है भाई घेवर के यूटेंसिल्स जो यूज होते हैं भैया, इस पे इसको हम नींबू क्यों लगाते हैं, इसकी बाड़ों के मारे बाड़ बनती है, इससे चिपक जाती है। अच्छा जी, तो नींबू से नहीं चिपकेगी? नहीं, नींबू से चिपकेगी, नींबू नहीं लगाया हुआ तो चिपकेगी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चिपकाने के लिए होता है ये। अच्छा जी, दूर रहेंगे ऐसे बोलू, पहले एक दो किलो फ्रेश घी बढ़ाइयो तई में, सब डड़ेल मंडा रही हूँ। तो भाई अब सारी आइस जो है वो बाहर निकाल दी गई है। तो देखते देखते सारा भाई पानी खाली कर दिया जैसे, देख लो भाई। कितना कितना टाइम लगता है घेवर को बनने में? घेवर को कम से बनने में एक घंटे भर लगता है। एक घंटा? रुको जी, 15 से 20 मिनट तक तो मल्टी लगाने में लगता है। अच्छा जी, चलो। और अभी बिल्कुल इक्वल हो गया है। ठीक है, ठीक है। इसमें थोड़ा दूध लगाया जाता है रात के लिए। सामने देख लो, ये फाइनली तैयार हो चुका है। ठीक है, इसको बोतल में भरेंगे भैया? नहीं, इसको अभी कटोरे में भरेंगे। अच्छा, कटोरे में इसको कलची से डाला जाएगा। कटोरे में कलची से डालेगा, और छोटे जो छोटे घेवर बनता है उसको बोतल में भर के डाला जाता है। अच्छा अच्छा, एक घंटा लग गया भाई इसको बनने में कसम से, ये देख लो भाई। और एक घंटे के बाद जो मेहनत भैया की निकली है सामने वाले भैया को काटेंगे। चलो डाला जा रहा और
कितने टाइम तक ये प्रोसेस होता रहता है? कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट तक बार बार डालते रहोगे नहीं बैठता रहेगा। अच्छा जी, ये देख लो भाई। तो भाई 15 मिनट का बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, ठीक है। पहले तो बनाने में आधा घंटा लग गया, उसके बाद अब ये देखो फिर से इन्होंने डालना चालू कर दिया। तो बैठता जाएगा और वो भाई वहाँ पे घेवर बनते जाएंगे। 15 मिनट का प्रोसेस है ये। भाई ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हो गए खड़े हुए यहाँ पे। और भाई ये देख लो, ये अभी भाई सिचुएशन है अपने गेवर की, और पूरे पूरे 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इसको बनने में। तो भाई जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ये बीच में इन्होंने धीरे धीरे होल कर दिया। अरे वाह, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, दिखाते हैं आपको जब भी पूरा अच्छे से रेडी होके जब निकलने वाला होगा तब दिखाएंगे आपको। तो चलो भाई ये देख लो, लास्ट टाइम में अभी डल रहा है, मतलब हमारा जो गेवर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है पूरा, ठीक है। अब निकलेगा सीधा, तो देख लो भाई। अरे तैयार हो चुका है। तो सामने देख लो भाई, ये तैयार हो चुका है बड़ा गेवर, ठीक है। अब दूसरा चला गया उसके अंदर। ये गेवर पक गया है, इसको निचोड़ा जाता है पीस को। अब इसमें डाल दूंगा ये खीस, दूध का खीस करते हैं। जैसे दूध को जरा चला 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 के उसको गाढ़ा कर दिया जाता है, उसको फिर बखर करके बखर में उसको खीस को डाला जाता है। जब ये तैयार होता है उसमें केसर पिस्ते बादाम सब डाले जाते हैं, फिर इसके ऊपर बादाम और पिस्ता डाला जाएगा। तो भाई अब इसके ऊपर बादाम और पिस्ता आएगा, ठीक है। और भैया ने बता दिया सारा प्रोसेस आपको। तो भाई सामने देख लो, अब ऊपर बादाम और पिस्ता डल के हमारा घेवर हो गया रेडी। और ये रहे अपने भैया जिन्होंने पूरा बनाया है हमारे कारीगर। क्या नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम रवि यादव। रवि भैया, तो भैया अब ये पूरा तैयार हो चुका है, मतलब लगभग 1.5 घंटा लग गया हमें, है ना। मतलब 1 घंटे का आपने बोला था, आधा घंटा और ऊपर हो गया, बट अब टेस्टी होना चाहिए। जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं। आप पक्की बात है टेस्टी होगा ना? चलो ठीक है भाई, तो टेस्ट करते हैं इसको। चलो
तो भाई इतनी मेहनत मशक्कत के बाद, वो मेहनत मशक्कत ही बोलते हैं ना, हाँ, तो मेहनत मशक्कत के बाद हमने भाई ये घेवर तैयार करवा लिया अपना, ये देख लो सामने। मतलब भाई अब इसे ना जल्दी से तोड़ते हैं, देसी घी का घेवर है ये, ठीक है। और भाई अब ना मुंह में आ रहा है पानी, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा इसकी मेकिंग, मतलब मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था। डेढ़ घंटा, सोचो भाई तुम्हारे भाई ने डेढ़ घंटा इसकी मेकिंग देखी है। मतलब भाई अब ना, अब ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, फटाफट टेस्ट करते आओ। मतलब मैं कहता हूँ जिसका नो कंपटीशन है ना, वैसा घेवर है यहाँ पर, ठीक है। और भाई स्वाद, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई नेक्स्ट लेवल, हर चीज़ फेल है इसके आगे। मैं तो यार इसे ख़त्म कर रहा हूँ, और जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते ना, बाकी भाई भैया के पास ले जाओ। और भैया लोकेशन समझा दो अपनी, मियाँ स्वागत इस मंदिर के सामने, केशव स्वीट्स मथुरा, मथुरा। चलो ठीक है भाई, तो आप लोगों को लोकेशन पूरी पता चल गई, आ जाना। और भाई बहुत देर हो गई।